मरम गाड़ी को अटकाई बटी मागिबा मामला महंगा पड़ा ट्रक मालिकों सह डील ऑडियो वायरल परे राति अधिया बदली बेतनटी तहसीलदार को करागला जिलापाल बदलिले बेतनटी तहसीलदार अनिशा दास घटना बढ़ुथिबारु बाध्य हेला प्रशासन तहसीलदार सह पांच जनक नारे मामला दुई जन गिरफ दुई जन को अटक रखी पुलिस पचरा उचरा सेबड़े तहसीलदार अनिशा एवं कलाहांडी डेपुटी कलेक्टर थाना एतलार किछि घंटा परे तहसीलदार बदली संदेह बढ़ाउछि एठी प्रश्न उठुछि काहेकि राति अधिया बदलिले तहसीलदार थाना एतला परे काहेकि न्यायगला निष्पत्ति धरा पकाइ देला कि वायरल ऑडियो तमोर भाई व्यापार करियर अछि ना नै हाँ व्यापार न करके हमें किम दिए पता है ना किम सर आज ही तू तुम्हें कौन सी दिनों मैडम को फोन करी बोली एक तुम्हारा सुविधा असुविधा कौन सी प्रॉब्लम है ला मौत से फोन करी हो जब पता ना मैडम अच्छी मैडम को कौन सी बाबत रे तुम्हें कोई बोली जो उटा तुम्हें चाहो जो सेटा मुंह तुम पे कर दे ली तुम्हें कल तू गाड़ी चले हो गाड़ी का कल रिलीज करा हो हाँ एक मैडम सब सुन चुकी सुना मैडम मत कही दिवत आमर जहाँ कथा आइतला कमिटमेंट अनुसार तुम्हें कहते लक्ष टा मुझे पचास भाई गोटे कथा से शुण टे आज का डेट रे एटा मल्टीमीडिया सेट तुम्हें कौन सी प्रकार रेकॉर्डिंग कर भाई शुण मो कथा कि तुम्हें कल का डेट रे तुम्हें कह को भी कह मैडम सहित सेटिंग कर दीजिए मैडम मत ये कर मानते एक्सट्रा एक्सट्रा के कथा हम तार ठीक चेणा ना तुम भाई कमर मतलब तेणु करी तुम्हें केयर कम काम करिवो केयर कम गाड़ी चलेबो सेटा तुम्हारो रेस्पोंसिबिलिटी आउ मैडम को तरफ रु कोनो प्रकार प्रॉब्लम होबनी आउ मैडम सुनु जदी किंतु किछ कहिबेन तुमको ए बाबत रे किछ कथा हेबे आउ गोटे कथा जो लोक काली जाईथिले जो जो लोक जाईथिले तुम कहुछो सेइ लोकंकर टिके प्रूफ दरकार गोटे से बाबत रे मु केस करिवो रिंटू जी सुनो रिंटू ना थोजी है रिंटू जाएगी गाड़ी डोर को बाड़े जी हैला ठीक सर मु मान लेली मु नीचे से भी तेरी गाड़ी रोक के मारे मते तुम के फोन मान लेली ना ना रिंटू फोन कर ले ना रिंटू रो बाइक पे गए ना कि रिंटू जाएगी ना बाइक पे कहू छी के नेगोशिएशन कर दियो किमती कोन सब जिंस होबो सुनो तो बाबू आपण नेगोशिएशन कर छथि ना ना आपण नेगोशिएशन कथा कहू छथि किंतु आपण को पाखरे किछि नाही आपण परमिट तो रखो तो टाइम नथिले मु माफ करबे ओटे दिन गाड़ी ने इग्नोर कर दी दिनो को गना गना गाड़ी जीवो विदाउट एनी परमिट मैडम अच्छी हमर मोर गाड़ी भी अच्छी आमे सिमति इलीगली आमे करिबु ने हमर खादान अछि मु सिमति करे नामे कॉन्ट्रैक्टर लोक मैडम आमे सिमति टाणीबु ने मार एबे सुनि नियंतु वायरल ऑडियो को नै कोन कहुथिले बेतन अटी तहसीलदार ओ जो डेफिनेटली वायरल लेछ तार किछि भी ऑथेंटिसिटी नै कि वेरासिटी नै दीज आर लाइक रैंडम जोड़ा है कि एंड दिस हैज हैपेंड विद एवरी तहसीलदार फ्रॉम बेतनटी जिते जन बेतनटी तहसीलदार आछन्ति दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग एंड मो ना नहीं कि जदि कि मिसयूज करके डिमांड करुची ता उपरे मो एबे कार्यानुष्ठान नबा पई कि मो टिके मते एविडेंस आउट के दरकार एविडेंस पाइला पर आई विल राइट लेटर टू ऑल ऑफिसर्स और पुलिस जे भी सीनियर्स समस्त लिखी भी कौन नीचे कौन नाई कागज थाई भी मोरम ट्रक को बॉयसिंगा छकरे अटका गला अभियोग अनुसार तहसीलदार अफिसर एसटीएफ कर्मचारी कही गाड़ी अटकईले किसी युवक गाड़ी में तहसीलदार और डेपुटी कलेक्टर थिबा कही 20,000 टंका बटी मागिथिले किंतु ट्रक ड्राइवर गाड़ी धरी बैसिंगा थाना पहुंचीथिले सेठारे ट्रक ड्राइवर को माड़ मारी 6,000 टंका छड़ाई नहीं यापरे गाड़ी तहसीलदार ओल्लैता अभियोग आसीला जिते मुझ थाना भितर गाड़ीटा पूरेदेली से तहसीलदार आसिक थाना भितर पंडा बाबू मुझे सेंटरिंग चार्ज थे रात ताको कहले आ गाड़ी टा मुरुम बाटा रहिला आ ड्राइवर को 5 मिनट पर छाड़ देबो पंडा पचला मैडम कैश टा देबेनी कि ना मु दिन 10टा 11टा बेलू आसी कैश देबी पैसा छिंताई करबा प्लान ला समान थिले आ टिके सामान्य टिके दूर रे आ दुई चार जन युवक सिगरेट फिगरेट माने पिया पई करथले मु देखि छी गुट गाड़ी रे हां तो सेदार से गाड़ी पचला पर से थाना भितर को आछंती एथरे से बदे फोन कला परे मु कहल ठीक अछि पाखरे जेतु बैसिंगा थाना अछि तू से थाना पाको नै आस गाड़ी देखिए सीढ़ी से थाना पाक नहीं आसला गाड़ी मोर सब डाउट क्लीयर हाँपाई किए अच्छी एक्चुअली गाड़ी में कौन अच्छी मुझ तहसीलदार मैडम को फोन कली फोन कला बेलू मैडम आ फोन टाइम रिसीव कले गत काली 4 समय तहसीलदार बेतनटी अभियोग क्रमे गोटे केस है मरम इलीगली ट्रांसपोर्ट होता से गत 20 तारीख भोर गोटे ट्रक देते तार
ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକର ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କନେକ୍ସନରେ। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବେତନଟିର କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଟକ ରଖି ଏବଂ ଧମଚମ ଦେବା ଏବଂ ପଇସାପତ୍ର ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରିବା। ଏହାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଗାଡ଼ି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କାହିଁକି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନଥିଲା? ନାହିଁଭଳି ଭାବେ ଚାଲୁଛି ଡିଲ୍, ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତ ରହିଛି କି? କେବେ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଅନିୟମିତତାର ଗୁମର ବି ଫିଟିପାରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ ଟିମ୍।